अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अहमदनगर में मुसलसिल आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अहमदनगर डिवीजन में मुसलसिल आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फसलानसर इलाके में मुकामी गुत्तेदारों की जानिब से नालों का कचरा सड़कों पर डाल कर वैसे रखा गया। कई महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक इसको उठाया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी बदबू सारे इलाके में फैल रही है और कई लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। शिकायत करने के बावजूद कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। ड्रेनेज का गंदा पानी भी जगह जगह पर बह रहा है। पता नहीं इनकी आँख कब खुलेगी। रमजान के महीने में लोग को मस्जिद को जाने के लिए तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कम से कम रमजान के इस महीने में सियासत को छोड़ें, रुपयों को छोड़ें, कम से कम अवाम की भलाई के लिए, अवाम के लिए तो काम करें ताकि रमजान के महीने में उनको सहूलतें मिले। देखना है कि यहाँ के जिम्मेदारों पर इस बात का कितना असर होता है। शेख वाहिद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। स्पेशल वर्कर की ऐसी ऐसी जो है इस समय आपके सामने बहुत सारे काम आ रहे हैं, बहुत सारे जिम्मेदारियाँ जो है लोगों के लीडर हैं ये बखूबी से निभाते हुए लिए। उन लोग एक पैसे का भी काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये मट्टी देख सकते हैं, ये पहले रोजे के दिन जो है सो कब्रिस्तान में से जो है सो खबरों की मट्टी भर के ऐसे हुई है। पहले रोजे से जब ये मट्टी नहीं उठाई है, आज जो है सो 18वां रोजा आई। हम जो है सो GHMC से बार बार फ़ोन कर रहे, सनाउल्ला साहब को, विट्टूबा साहब को, GHMC के पूरे लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई ये मट्टी उठा लो, ये रमज़ान का महीना है। कल ही 3 मैया चले गए हैं यहाँ पे, आप कब्रिस्तान की टर्निंग के टाइम पे इतनी गंदगी रखे तो कैसा होंगे। बोले तो इन्होंने बोले मैं कल उठाता हूँ, आज उठाता हूँ, बोल के जो है सो आज जो है सो 18 दिन हो गए। आज तक कोई मट्टी उठाने वाले नहीं है, कोई पुरसाने वाले नहीं है यहाँ पे। और जो बाजू जो गंदगी का जो मोरी का पानी भरा, उससे पहले भी हम जो है 2 से 3 न्यूज़ दे चुके हैं यहाँ पे कि मोरी का काम करा बोल के। इधर ओनर साहब को भी बोले तो ओनर साहब बोले अरे भाई मैं अल्लाह के हवाले छोड़ दिया ये। अरे भाई ना अल्लाह के हवाले छोड़े तो जो है सो मौका के लोगों को कैसी तकलीफ दे रहे आप। महमूद भाई जो है सो दीनी तालीम पूरा रूम में सिखाते बैठ के, इतना गंदगी का पानी फहरा तो जो है सो इनको पानी नहीं दिख रहा। पूरे पैंचे उठा के करके जा रहे मस्जिदों में, गए तो वही गंदगी की मट्टी चले जा रही। अब तो ये हद हो गई, पहले रोजे से अभी तक के ये मट्टी ना उठाए। अपन कितनों को बोल के बोलना, यहाँ पे DCR साहब को बोल रहे, MLA साहब को बोल रहे, कॉर्पोरेशन मेंबर को बोल रहे, कॉर्पोरेटर मैडम को बोल रहे, हर किसी को बोल रहे भाई ये हमारे एरिया में 10 पाई के एरिया में इतनी लापरवाही कई क्यों कर रहे। क्या बोले तो अरे भाई हम बड़े बाजार के काम करते ज़्यादा बोल रहे। बड़े बाजार में कई क्यों करते भाई काम, बड़े बाजार में जो है कोई लीडर नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सब रह के करके भी जो है सो हम सरकारी काम करते, हम सोशल वर्क करते। अरे भाई ये सोशल वर्क करना ना होता है इनका, इन्होंने इनकी लीडर ही कर रही। बजट जो है सो कैसा पास करना मालूम है इन लोगों को, बजट जो है सो कहाँ पे लगाना, कैसा लगाना, क्या ढंग से लगाना इन लोगों को नहीं मालूम है। खाली पैसे खा ले रहे, आप देख सकते 20-20 दिन से मट्टी ना उठा रहे, 6 साल से मोरी का काम नहीं करा रहे। हम उससे पहले भी जो है सो तेलंगाना से अपील कर रहे थे कि महमूद भाई का फ्लैट है ऊपर, इनको जो है सो सक्सेस तक कार्रवाई करी है बोल के बोले थे, मट्टी ना उठाए। GHMC वाले ना चालान मार रहे इनको, ना कोई इधर के लोकल लीडर आके बोल रहे। इधर के लीडरों को बोल रहे तो बोल रहे कि हम जो है सो मजीपट्टनम देख रहे भाई, ये एरिया हमारा नहीं है, ये एरिया है तो किसका है भाई, ये जिम्मेदारी है किसकी है। एक जने आते ही मेरी जिम्मेदारी है बोलते, और जो है सो और MLA साहब का भी दौरा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक के, ना कोई कॉर्पोरेशन मेंबर जो है सो आके देखे, ना कॉर्पोरेटर मैडम आके देखे। आप मुकामी लोगों से पूछ सकते कि ये कब्रिस्तान के खबर की मट्टी है ये मट्टी की क्या है, अपने को कदर करना है, मर गए तो अपने को भी वही मट्टी में जाना है। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।